हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं बच्चों। आज हम लोग आइटम्स ऑफ मॉलिक्यूल चैप्टर का हमारा सेकंड पीरियड है। इसमें हम लोग बात करेंगे कि एलिमेंट्स क्या हैं, और एलिमेंट्स की डिफाइन हम लोग पिछले लेसन में भी पढ़ चुके हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर में भी। आज उनके सिंबल्स की बात करेंगे कि एलिमेंट्स के सिंबल्स क्या हैं, सिंबल्स फॉर एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स की डिफाइन एक बार फिर से कर लेते हैं। एलिमेंट्स यानी मैटर विच इज मेड अप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट्स। ऐसे मैटर जो जिनके सारे एटम एक जैसे हों, एक जैसे किस रिस्पेक्ट में, इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी एलिमेंट की डिफाइन अगर हम लोग देखें मैटर विच इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ आइटम इन रिस्पेक्ट टू केमिकल प्रॉपर्टीज। इज कॉल्ड एलिमेंट। ऐसा मैटर जो सेम काइंड ऑफ एटम से बना हो, किस रिस्पेक्ट में, केमिकल प्रॉपर्टीज के मामले में, यानी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हो, वो सारे मैटर क्या हो जाएंगे, एलिमेंट्स। बच्चों एलिमेंट्स के बारे में पिछले चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया ऑलरेडी। एलिमेंट्स के दो ग्रुप, तीन ग्रुप बताए थे हमने, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, इनकी सब बात हो चुकी थी। नाउ इन दिस चैप्टर विल डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द सिंबल फॉर एलिमेंट्स। क्या बात हो रही है, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। सिंबल बच्चों शॉर्ट टर्म, जैसे मान लो एलिमेंट है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए स्पेलिंग लिखेंगे ओ एक्स वाई जी ई एन, इतना लंबा न लिख करके अगर हम कोई ऐसा सिंबल दे दें, शॉर्ट टर्म दे दें, जिसको देखने से मालूम पड़ जाए कि ऑक्सीजन की बात हो रही है। अगर हम ओ सिंबल दे दें, ओ फी ओ फॉर ऑक्सीजन, ये हो गया ओ इज द सिंबल फॉर ऑक्सीजन। यानी शॉर्ट टर्म यूज्ड टू रिप्रेजेंट नेम ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड सिंबल। फॉर एग्जाम्पल ओ फॉर ऑक्सीजन, ओ फॉर ऑक्सीजन, तो वो क्या हो गया, सिंबल हो गया। इसी तरह से हम लोग देखते हैं, सबसे पहले इनिशियली में जब इन सिंबल्स की बात हो रही थी तो डाल्टन ने कुछ, किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि इस तरह का सिंबल दें। शुरू में लोग इमेज बनाते थे, कोई सर्कल बना दिया, सर्कल में प्लस साइन लगा दिया, माइनस साइन लगा दिया, डॉट लगा दिया, उस तरह से अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग सिंबल यूज किए गए थे। कुछ को हम लोग देखते हैं, इनिशियली नेम ऑफ एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय सम शेप ऑफ सम बाय सम शेप,
represented by some shape by Dalton. Dalton ने कुछ shape से represent किया. Example के लिए hydrogen के लिए O पे एक dot. Hydrogen. Oxygen के लिए simple O. Then nitrogen के लिए O लिखकर ऐसी line. देन कॉपर के लिए पूरा ऐसे से गोला पैक. फिर प्लस साइन जिंक के लिए गोले में एल लिखा तो मरकरी. बच्चों कुछ समय तक तो ये सिंबल चले लेकिन ये कुछ समय बाद जो है कैंसिल हो गए, इसलिए कि जब एलिमेंट्स की संख्या कम थी तब ये चलते थे. कि जब एलिमेंट्स के नंबर बढ़ गए तब कौन कौन से सिंबल यूज करेंगे तब बहुत दिक्कत होने लगी. तब IUPAC इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने जो है अपना सिस्टमेटिक सिंबल के लिए कुछ लॉज दिए, उन्हीं लॉज को हम लोग फॉलो करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू नंबर टू, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री लिख देता हूं मैं. ये इसका फुल फॉर्म है I for international, U for union, for pure, A for applied, C for chemistry. ये एक संस्था बच्चों जो जितने हमारे एलिमेंट्स नए डिस्कवर होते हैं उनको नाम देती है और इनके लिए क्या सिंबल यूज करना. करने का मतलब ये है केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी रूल्स रेगुलेशन हैं, जितने रिसर्च हैं, सबको सत्यापित करने वाली संस्था है. सभी कंपाउंड को नाम देने वाली संस्था है. सभी एलिमेंट्स को नाम देने वाली ये संस्था है. इन्होंने क्या कहा, इनके हिसाब से इन्होंने क्या किया, कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके फर्स्ट इंग्लिश नेम के पहला लेटर कैपिटल का लेकर के उनका नाम रिप्रेजेंट किया गया. तो उनको देखते हैं कौन कौन से हैं. सिंबल गिवन बाय बर्जेलियस इन सम एलिमेंट. ये एक्चुअल में इसके जो हेड थे बर्जेलियस थे. कौन? बर्जेलियस. बर्जेलियस का पूछे तो भी यही देना है, IUPAC का पूछे तो भी यही देना. इन सम एलिमेंट्स the first letter of their English name of their English name represent their symbol. In some element, in some elements the first capital letter of their English name represent
रिप्रेजेंट देयर सिंबल। इसमें कई सारे हम इनके एग्जांपल देख लेते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं अपन इसको दोबारा, तो लिख देते हैं बोरॉन एग्जांपल। बोरॉन के लिए बी, देन कार्बन के लिए सी, देन फ्लोरीन के लिए एफ, हाइड्रोजन के लिए एच, आयोडीन के लिए आई। ये अल्फाबेटिकली है बी सी एफ एच आई, देन ऑक्सीजन के लिए ओ, फास्फोरस के लिए पी, सल्फर के लिए एस, यूरेनियम के लिए यू, वेनेडियम के लिए वी, इस तरह से ये सिंबल बच्चों यूज में आए हैं। ये जिनके फर्स्ट लेटर यूज हो रहे हैं ये कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 एलिमेंट्स हैं जिनके फर्स्ट कैपिटल लेटर का यूज हम लोग करते हैं, इन्हीं का सिंबल यूज में आता है। ठीक है, अब सेकंड लेते हैं एलिमेंट्स। अब जिनके नाम फर्स्ट लेटर से ही बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे कार्बन है, कोबाल्ट है, तो उनमें क्या करेंगे, पहला तो कैपिटल लेंगे और पीछे से एक इस लेटर स्मॉल का ले लेंगे। क्लोरीन है, कैल्शियम है, कार्बन क्लोरीन कोबाल्ट, ठीक है, ये सब एक ही सी से शुरू है, तो इनमें पहला लेटर सी ले लेंगे, पीछे से कोई एक लेटर ले लेंगे जो प्रोमिनेंट हो। एलिमेंट्स हुज नेम बिगिन विद द सेम लेटर आर रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट कैपिटल लेटर एंड एनी अदर प्रोमिनेंट स्मॉल लेटर। एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, ए से शुरू करते हैं, एल्यूमिनियम आर्गन, ए से शुरू होने वाले ये दो हैं, ए से शुरू होने वाले दो हैं, इसका एल्यूमिनियम में ए और पीछे का एल, आर्गन में ए और पीछे का एक स्मॉल का आर। ऐसे बी से बेरियम, बेरिलियम
और बिस्मत, और देन ब्रोमाइन। देखो बी से शुरू होने वाले 1, 2, 3 और 4 है। बेरियम के लिए बी ए, बेरिलियम के लिए बी ई, बिस्मत के लिए बी आई, ब्रोमाइन के लिए बी आर। चारों बी से शुरू होने वाले हो गए। ऐसे सी से शुरू होने वाले कैल्शियम, क्लोरीन, कोबाल्ट, यहां ले लेते अपन कैल्शियम, क्लोरीन, कोबाल्ट, क्रोमियम, ये 1, 2, 3, 4 चार हो गए सी से शुरू होने वाले। कैल्शियम के लिए सी ए, क्लोरीन के लिए सी एल, कोबाल्ट के लिए सी ओ, देन क्रोमियम के लिए सी आर। ऐसे बच्चों मैग्नीशियम और मैग्नीज, मैग्नीशियम, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम, मैग्नीशियम के लिए Mg, मैग्नीज के लिए Mn, मॉलिब्डेनम के लिए Mo। देन निकल और नियॉन, निकल और नियॉन, निकल के लिए Ni, नियॉन के लिए Ne। अब बच्चों रह गए एस से शुरू वाले स्ट्रोनियम और सिलिकॉन, स्ट्रोनियम और सिलिकॉन। स्ट्रॉनशियम के लिए हम लोग लेंगे SR और सिलिकॉन के लिए SI। देन पैलेडियम और प्लेटिनम, पैलेडियम और प्लेटिनम, पैलेडियम के लिए PA, प्लेटिनम के लिए PL। लास्ट बच गया जिंक के लिए ZN। बच्चों इस तरह से ये सिंबल यूज होंगे, इनको आपको याद भी करना, याद होना चाहिए 9th लेवल पे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उनके क्या क्या सिंबल्स हैं। अब जो है कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका सिंबल जो हम लोग उनके लैटिन नेम के फर्स्ट लेटर और एक सेकंड लेटर लेके यूज करते हैं, उनकी भी एक लिस्ट बना लेते हैं। सम एलिमेंट्स है बोथ इंग्लिश एंड लैटिन नेम, फर्स्ट कैपिटल लेटर इज टेकन फ्रॉम देयर लैटिन नेम, फर्स्ट कैपिटल लेटर इज टेकन फ्रॉम देयर लैटिन नेम। And second small prominent letter is taken, and second small letter, small prominent
letter is taken from middle of the spelling. मिडिल ऑफ नेम, उनके नाम के बीच में से कहीं एक से जो है छोटा स्मॉल का लेटर लेते हैं। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सिल्वर 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 को लैटिन में अर्जेंटम कहते हैं, अर्जेंटम। तो अर्जेंटम का ए और इधर से जी ले लिया तो हो गया सिल्वर का ए जी। और कॉपर कॉपर को लैटिन में कहते हैं क्यूप्रम, क्यूप्रम के लिए सी और पीछे से यू ले लिया। गोल्ड गोल्ड को कहते हैं आरम, आरम के लिए ए यू ले लिया। देन आयरन आयरन को हम लोग फेरम कहते हैं, फेरम के लिए एफ और ई ले लिया। देन पोटेशियम पोटेशियम के लिए पोटेशियम को कहते हैं हम लोग कैलियम, पोटेशियम को क्या कहेंगे कैलियम, कैलियम का के ले लिया गया ये पोटेशियम का। तो बच्चों ये सिंबल्स जो है हो गए इंग्लिश नेम और लैटिन नेम, ये इनका हो गया। ऐसे कुछ और बचते हैं जो उनको भी देख लेते हैं और आप इनको याद करेंगे। जैसे मरकरी मरकरी को कहते हैं हाइड्रेग्राम, हाइड्रेग्राम एच जी लिया इसके लिए एच और ए जी एच जी। देन सोडियम के लिए नेट्रियम, सोडियम का लैटिन नेम क्या है नेट्रियम, इसके लिए एन ए लिया। देन लेड को प्लम्बम कहते हैं, प्लम्बम तो इसका लिया पीबी, पहला लेटर पी स्मॉल के इधर से बी पीबी। देन जो है एंटीमनी स्टीबियम, एंटी मनी स्टीबियम तो इसके लिए लिया है एस बी एस और यहां से बी एस बी। देन टंगस्टन को टंगस्टन के लिए लिया गया ओल्ड फ्रेम और इसका सिंबल यूज किया गया डब्ल्यू। तो बच्चों इस तरह से कुछ नेम ये लैटिन है, कुछ आपके जर्मन है, तो ये इनके इंग्लिश नेम लैटिन और जर्मन नेम और उनके ये सिंबल, ये इंग्लिश नेम लैटिन और जर्मन नेम और इनके ये सिंबल, इनको आपको याद करना है समझना है ताकि आप इनमें कंफ्यूजन ना हो। अब अगले लेसन में हम लोग एटॉमिक मास की बात करेंगे। जब तक आपको ये सारे नाम जितने एलिमेंट्स हैं आपको दिए मैंने इनके नाम और सिंबल जरूर याद करें बच्चों, तभी आपकी केमिस्ट्री धीरे धीरे इजी होगी। केमिस्ट्री का एक फंडा है आप जो आज याद करोगे कल भूल जाती है, इसलिए इसको अगले 10 दिन तक कंटिन्यू रिवीजन देना पड़ता है। जब कंटिन्यू रिवीजन दे दोगे तो ये परमानेंट आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ओके बच्चों हैव ए गुड डे।